किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में बातचीत का दौर जारी है। वहीं किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर डटे हैं। दूसरी ओर हरियाणा से खाद सामग्री तैयार कर दिल्ली बॉर्डर भेजे जाने का सिलसिला भी जारी है। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। वहीं फतेहाबाद के रतिया में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए 4 क्विंटल मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री तैयार की। किसानों ने बताया कि यह 4 क्विंटल मिठाई और खाद्य सामग्री दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए भेजी जा रही है। खाद्य सामग्री और मिठाई तैयार करने वाले रतिया के किसान तरसीम सिंह, बलवंत सिंह और बलजिंदर सिंह ने बताया कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक किसान दिल्ली से नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी लंबा आंदोलन चलाना पड़े। यह असी अज जिहड़े साडे किसान भरा दिल्ली मोर्चे ते लड़ाई लड़ रहे ने उन्हां वास्ते मठियाई बनाई है जी, 4 क्विंटल मठियाई है। इहदे विच साकरपारे, तोशा, बूंदी, भुजिया ते मठी बनाई है। ते असी उन्हां लई लै के जावांगे। ते सरकार दे खिलाफ इह जिहड़े 3 कानून ने जिन्ना चक्कर वापस नहीं हुंदे, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਬਾਗ ਜੇ ਭਲਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। किसानों ने बताया कि 6 महीने के लिए एडवांस राशन की व्यवस्था दिल्ली में बैठे किसानों के लिए हम कर चुके हैं। किसानों ने बताया कि आज हमने शक्करपारा, बूंदी भुजिया सहित अन्य खाद्य सामग्री तैयार की है, जो कि आसपास के गांव के लोगों के द्वारा पहुंचाए गए राशन से तैयार की गई है। फतेहाबाद से वी न्यूज के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट।